आज की ये खबर आपका दिन बनाने वाली है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। जहां भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई तीन बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं। और तीसरी खबर को सुनने के बाद तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पहली और बड़ी खबर यह है कि आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन सेट, चाहे वो स्लीपर ट्रेन हो या फिर सिटिंग, इन सभी को अब स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। अभी तक भारत में करीबन 17 वंदे भारत ट्रेन सेट्स ऑपरेट की जा रही हैं, जो सभी ब्रॉड गेज पर ऑपरेट की जाती हैं। और क्योंकि भारतीय रेलवे का काफी बड़ा नेटवर्क अभी भी स्टैंडर्ड गेज पर ऑपरेट करता है, इसलिए अब आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स को स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से तैयार किया जाएगा। जहां ब्रॉड गेज 1676 mm, वहीं स्टैंडर्ड गेज 1435 mm के गैप में ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ICF बहुत जल्द इन ट्रेन्स के लिए टेंडर्स को इनवाइट करने वाली है, जहां पर 200 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को डिजाइन किया जाएगा फॉर स्टैंडर्ड गेज। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि हम डायरेक्टली इन ट्रेन्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय और कई पश्चिमी देशों में आज भी स्टैंडर्ड गेज का चलन काफी ज्यादा है, जो हमारे लिए सीधे एक्सपोर्ट के रास्ते खोलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को मैन्युफैक्चर करने के और रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर्स को बहुत जल्द इन्वाइट किया जाएगा और आने वाली सभी वंदे भारत ट्रेन सेट्स में काफी बड़ा हिस्सा 160 किलोमीटर पर आर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेन्स भी होने वाली हैं जिसे सिर्फ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए ही डिजाइन किया जाएगा। जहां रेलवे की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉड गेज पर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को दौड़ा जा सकता है, वहीं स्टैंडर्ड गेज पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेनों को दौड़ाना काफी ज्यादा आसान होगा, इसलिए आने वाली ट्रेन का काफी बड़ा हिस्सा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए ही तैयार किया जाएगा। और बात की जाए दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2023 तक भारत में करीब 75 यानी 75 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को लॉन्च करने का टारगेट पिछले साल गवर्नमेंट ने रखा था, लेकिन अब वो शायद अचीव ना हो पाए। लेकिन साल 2023 में अब 75 नहीं बल्कि 77 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को लाने की तैयारी की जा चुकी है। ICF की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी खबर ये है कि ICF चेन्नई का कहना है कि वो अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट के कोच और कई स्पेशल फैसिलिटी के साथ में ट्रेन्स को डिजाइन और उनके कई प्रोटोटाइप इसी साल तैयार कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ समय पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रशियन कंपनी ट्रांसमी होल्डिंग और सीमेंस जैसे प्लेयर्स के हाथ में सौंपा गया है। लेकिन जब एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ये दावा करे कि हम मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट्स के प्रोटोटाइप को तैयार कर पाएंगे, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तीनों खबरों में से आपको कौन सी खबर ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।